हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रूपमान आपका आज हाई स्कूल के मैथ का एक टॉपिक है द्विघात समीकरण, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इस संकट की घड़ी में आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते होंगे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम यही संदेश देंगे कि स्टे होम एंड रेस्ट लीजिए। देखिए, द्विघात समीकरण आपका जो आपका टॉपिक है उसमें मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में कि द्विघात समीकरण क्या होती है। एक ऐसा बहुपद जिसमें आपका किसी चर की घात दो गुनी आवश्यक होती है और उसके साथ आपका इसको हम किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, यदि किसी एक ऐसी समीकरण जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त किया जा सके तो वो आपका द्विघात समीकरण होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब पहला आता है इसमें जो टॉपिक है वो होता है कि जांच करना होता है कि आपका कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो उसके लिए आपका मैं सवाल लिख रहा हूँ। देखिए, आपका एक्स प्लस वन का होल हाफ स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ये आपको बताना है कि ये जांच करना होता है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो दोनों पक्षों को हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, देखना कर रहे हैं x प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर मतलब a प्लस b का सूत्र लगाएंगे, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2a * b यानी x बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 * x 2x और माइनस आपका दोतिया 6। इसको इधर लाएंगे साइड क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स और इक्वल टू टू एक्स माइनस आपका सिक्स। ये टू एक्स प्लस में है, इधर भी प्लस में है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इधर आए गए तो माइनस में जाएगा वो कट जाएंगे। अब इस माइनस सिक्स को इधर ले आएंगे दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स बराबर आपका कितना हो गया जीरो एक्स स्क्वायर और प्लस आपका सेवन इक्वल टू आपका जीरो। ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगी क्योंकि हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। अब एक ऐसा देखते हैं जैसे आपका कोई समीकरण लिखा हो एक्स आपका आ जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको अगर कह दिया जाए कि ये आपका द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एक्स क्यूब बराबर आपका वन। यहाँ देखिए x की घात तीन है, यानी तीन वाला घात आपका यदि किसी चर की घात तीन हो तो वो त्रिघात में चला जाएगा, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण में आपका सदैव a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखा होना चाहिए समीकरण, यानी x की घात दो वाला टर्म जरूर होना चाहिए। ये टर्म गायब हो सकता है, मींस हमने बताया था कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी कंडीशन में a जो होगा वो यदि जीरो हो जाता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। बाकी आपका एक समीकरण में x स्क्वायर है, x की घात एक है और आपका तीसरा जो पद है वो आपका अचर पद होता है वो है, तो आपका वो समीकरण क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके आगे अब आता है कि समीकरणों की हम कैसे जांच करते हैं कि ये आपका मान उस समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं, देखते हैं।
देखिए ये क्या दिया गया है कि होता क्या है, जो द्विघात समीकरण होगी उसमें x के दो ऐसे मान होंगे, यानी जो चर होगा उसके दो ऐसे मान आएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करते होंगे। इस समीकरण में यदि इस x के वो दो मान रख दिए जाएं तो दूसरा पक्ष जीरो हो जाएगा। एक पक्ष पर आपका मान दिया गया है कि x बराबर एक, यानी ये आपका इसमें पूछ रहा है कि क्या x बराबर एक पर ये समीकरण सत्य है, ये द्विघात समीकरण में x का मान एक हो सकता है या नहीं। तो क्या करेंगे, x का मान LHS में रखने पर, x का मान LHS में रखने क्या आ जाएगा, देखिए 3 x का मान 1 का होला स्क्वायर माइनस 2 इनटू 1 माइनस 1, ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 माइनस 2 को माइनस 1 माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे तो ये 3 और 3 माइनस 3 ये क्या आ गया 0 बराबर किसके हो गया RH मतलब राइट हैंड साइड पे। तो देखते हैं कि x का ये जो मान दिया था उस मान के लिए ये समीकरण आपका सत्य है, मींस ये जो x का मान है वो इस समीकरण के x का एक मान होगा और ये इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दूसरा एक सवाल है आपका, ये जो मान दिया गया है ये बताना है कि ये इस समीकरण के मान है या नहीं है। तो मैंने बताया कि इनको इस समीकरण में रखेंगे, यदि ये समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो ये दोनों मान आपके इस समीकरण के मूल होंगे या हल होंगे। देखिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या आ जाएगा, देखिए 3 रख दिया मैंने माइनस 2 इंटू 1 और माइनस में कितना 5, यह आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 5, यह हो जाएगा 3 माइनस 1 2 7, यह आ जाएगा माइनस का 4। मींस ये इस समीकरण का मान यानी हल नहीं होगा, क्या x बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं हो सकता है। अब दूसरा एक बात करें जो दिया है x बराबर 5/3, मतलब 5 बटे जो 3 दिया है इस पर आपका ये मान सत्य है या नहीं है x के लिए। तो देखेंगे x बराबर 5/3 पर क्या रहेगा, रखेंगे वैल्यू तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, इस समीकरण में रखेंगे देखिए 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5/3 माइनस 5, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू अचम 25 तीन त्रिका 9 माइनस 5/10/3 माइनस 5 25/3 माइनस 10/3 माइनस 5। यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि हर इन दो बिंदुओं के हर बराबर हैं तो 25 में से 10 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 15 बटे आपका कितना 3
और माइनस 5 और फिर आपका एलसीएम लेकर इसको अगर सॉल्व करें तो साथ क्या आ जाएगा आपका 15 माइनस 15 बटे 3 बराबर 0 मींस x ये जब घट जाएगा देखिए 15 माइनस 15 0 बटे 3 मींस आपका 0 उसका मान होता है। जब ये मान 0 आ गया तो ये कहेंगे कि ये जो समीकरण है उसमें x का मान जो ये वाला दिया था दूसरा x इक्वल टू 5/3 ये आपका सही है कि इस पर समीकरण पर ये इसका मूल नहीं होगा मतलब ये इसका हल नहीं। इसके आगे अब सवाल करना है अगला देखिए देखिए एक ये सवाल है √7x² - 6x - 13 √7 = 0 अब ये बताना है कि ये x = -√7 और x = 13/7 ये दोनों आपके इसके हल हैं अथवा नहीं है। यदि हल होंगे तो ये समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे मतलब मान रखने पर ये समीकरण का मान कितना आ जाना चाहिए 0। तो देखेंगे पहला मान जब x बराबर हम रखेंगे -√7 x = -√7 पर क्या आ जाएगा देखिए रखिए वैल्यू माइनस आपका 7 इनटू -√7 का f बोला इसका क्योंकि ये दिया गया है -6 इनटू √7 माइनस में है तो माइनस में क्या आ जाएगा प्लस और माइनस में 13/√7 इनटू -√7 √7 अब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका √7 और ये आपका स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा 7 रूट हट जाएगा और 7 आ जाएगा प्लस 6√7 और -13√7 ये हो जाएगा 7√7 प्लस 6√7 -13√7 ये जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 13√7 -13√7 मींस कितना आ जाएगा 0 क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएंगे और मान कितना आ जाएगा 0 मींस जो x बराबर -√7 है ये इसका मान आपका होगा। अब दूसरा जो आपका दिया गया है x बराबर 13/7 ये वैल्यू पुट करेंगे तब क्या आ जाएगा देखिए जो समीकरण दी गई थी वो क्या है रूट समीकरण देख लेंगे √7x² - 6x - 13√7 = 0 था इसमें हम इधर रखेंगे LHS में तब आपका मान क्या आ जाएगा √7 × 13 आपका इस 7 को जो ये नीचे वाला 7 है इसको हम लिखेंगे अभी बाद में √7 × √7 इसको दो बार लिख लिया √7 × √7 और -6 × √7 क्या जाएगा 13√7 = 0 इसको ऐसा नहीं करेंगे यही रखिए √7 × √7 कैंसिल
मत करिए। देखिए ये क्या रहेगा, 13√7/√ आपका 7 ही लिखिए क्योंकि हर बराबर हो जाएंगे। इधर आपका हो जाएगा 78/7-13√7 बराबर आपका लाना है हमें। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका हर बराबर है, ये मीन्स कहा जाए इसका ये मान नहीं हो सकता 13/7, देखिए कम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये सवाल नहीं हो पाएगा। देखिए करते हैं हम आपका, यदि एलसीएम ले लें आ जाएगा 7 एलसीएम, कितना हो जाएगा 13√7-7 ये और माइनस आपका ये हो जाएगा 13 और ये वाला तो वही होगा फिर से 7√7 ये वाला तो बात। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 13√7-78 और यहां पर 91√7/7 ये सब नहीं हो पाएगा, मीन्स इसका मान जो होगा वो जीरो नहीं होगा। तो ये आपका जो मान है एक्स का वो नहीं है इसका हल, इस समीकरण का, इस समीकरण का एक्स का जो मान है 13/7 ये इस समीकरण का हल नहीं हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे, और इस संकट की घड़ी में आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्थिति करते रहिए। ओके बाय।